हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। लेकर मैं आ गया हूँ 24 मार्च 2019 का करेंट अफेयर्स, जो कि सभी बड़े छोटे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, तो 23 मार्च को ये दोनों मनाया जाता है। साथ ही साथ जान लें कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस किन के याद में मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पे 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इन लोगों को फांसी कहाँ हुआ था? लाहौर के सेंट्रल जेल में। चीन ने पाकिस्तान को कितना बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो 2.1। चीन से रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट हैं जाई जिनपिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा कॉफ़ी ने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चाको पुरैकल थॉमस को टाटा के कॉफ़ी के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जलवायु नीति में भारत से कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो 7 लोगों से। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक ने अपने यहाँ लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश एन गौड़ा को। अगला प्रश्न है, 2019 में लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एयर एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मलेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे इस अभिनेता को बनाया गया है? तो आमिर खान को फोन पे का ब्रांड इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद कर लीजिए। फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान। AI फॉर इंडिया समिट कौन आयोजित करेगा? तो फेसबुक। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 बार SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब किस देश को मिला है? तो मिला है ये भारत को। आप देख ही सकते हैं कि डाटा हो गया है फुल। अब वीडियो करता हूँ बंद और बत्ती भी हो गया है गुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।